कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी में छात्रों से की बातचीत। बातचीत के दौरान मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, मोदी सरकार का शासन देश में हिंसा और नफरत का माहौल पैदा करता है। जर्मनी में राहुल गांधी के भाषण पर भड़की बीजेपी। संबित पात्रा ने गिनाए झूठ। कहा, जर्मनी जाकर भारत का सम्मान घटाया। असम में डी वोटर के इल्जाम में दंपति जेल में बंद। पीड़ित की मां की हुई सदमे से मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर किया सड़क जाम। यूपी के कौशाम्बी के सरकारी राशन की दुकान में हो रही कालाबाजारी। किसानों ने वीडियो किया वायरल। एसडीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। यूपी के कौशाम्बी में मालगाड़ी बनी बर्निंग ट्रेन। मालगाड़ी की बोगी नंबर 24 में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम। India was a rural country. नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को जर्मनी के हैम्बर्ग में अपना भाषण दिया, जहां उन्होंने छात्रों से बात करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जिस तरह शासन कर रही है, उससे देश में हिंसा और नफरत का माहौल बना हुआ है। जिसके बाद राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई है और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पहले ट्वीट करते हुए और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे उद्योगों के नकद प्रवाह को बर्बाद कर दिया और लिंचिंग इसी का एक परिणाम है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बहुत से मामले बढ़ गए हैं। पुरुषों को महिलाओं को समानता और सम्मान के भाव से देखना शुरू करना होगा। जिसके बाद बीजेपी ने महिलाओं के इस बयान पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल को महिलाओं पर दिए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जर्मनी में राहुल का भाषण एक झूठ का पुलिंदा है। असम के तिनसुकिया में एक दंपति डी वोटर मामले को लेकर जेल में बंद किए गए हैं, जिसके सदमे को गिरफ्तार व्यक्ति की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद इस घटना को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने 16 अगस्त को तिनसुकिया दुलियाजान सड़क पर महिला का शव रखकर कई घंटों तक सड़क जाम किया था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति के 5 छोटे बच्चे हैं, जो इस घटना के बाद बेसहारा हो गए हैं और अपनी मां और पिता की रिहाई की राह तक रहे हैं। नोटिस में हम लोग माँ पापा गए थे वहाँ में, तो कोर्ट ने बोला कि 600 रुपये कागज मांग रहे थे, तो पापा कोर्ट में कागज लेके दे दिए, घर में रख दिए। तो अब तक एकदम सीएल नंबर से वोट आने लगा। हाँ, तो हमारे मम्मी पापा 2004 से मैंने वोट देने की शुरू कर दिए। तो हमने मम्मी पापा को मालूम ये चला कि मैंने हम लोग को तो वोट में नाम आ गया, अब तो क्या होगा, अब सब तो हो गया। अब हम फिर तो नहीं मालूम है किस चल रहा है ना। और 2018 में की बार आया अरेस्ट किया। हाँ, तो 15 मई को अरेस्ट हो गया। हाँ, उसके बाद 3 महीना दिन हो गया जेल में रहते हुए। तब तक हमारे दादी का चिंता होते 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 मैंने खाना कमती होते होते हमारे दादी का डेथ हो गया। ये तो भारतीय है, ये तो भारतीय है। किस हिसाब से इन दोनों लोगों को डी बूटर से फॉरेनर डिक्लेयर करके लोग को जेल भेज दिया। ये तो कोई इंडियन आदमी को फॉरेनर बना देने का ये कहानी समझ में नहीं आया। और ये इतना दुखिया परिवार मुश्किल से खेती बाती करके अपना घर चला रहा था। अब वो उसका बेटा बहू को दोनों को जेल भेज देने के कारण उसका माँ अपना माँ नहीं खा नहीं पी के मेरा नाती लोग का क्या होगा। छोटा छोटा बच्चे है, वो बच्चे लोग का क्या होगा। इसलिए उसका माँ शोक से मर गई। वहीं असम के ही तिनसुकिया जिले के बरडूबी थाना अंतर्गत देवहाल चाय के 7 नंबर बागान में हरी पत्ती तोड़ते हुए बागान के कर्मचारियों ने एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी देखकर बागान प्रबंधक को खबर दी। इस पक्षी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद बागान प्रबंधक ने दुर्लभ प्रजाति के पक्षी को बरामद कर तिनसुकिया के गुईजान विभाग के वन विभाग के हवाले कर दिया। बागान जो है देवहाल की स्टेट, हम लोग का एक डिवीज़न है रायतू डिवीज़न। उस डिवीज़न में एक सेक्शन में पार्किंग हो रहा था, इसी दौरान वहाँ पे चौकीदार लोग था, उन लोगों ने वो रेस्क्यू किया। हम लोग को इमीडिएटली उन लोगों ने इन्फॉर्म किया और
इन्फॉर्म करने के बाद में हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो लोग थे, उन्होंने जाके वो उसको रेस्क्यू किया और वाइल्ड लाइफ को कहाँ को वाइल्ड लाइफ ये हम लोगों का जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का यूपी के आगरा के थाना क्षेत्र एतमादपुर के गांव मितावली में देर रात करीब 5 अज्ञात बदमाश छत के सहारे एक घर में घुस गए और बाप बेटी के सिर पर तमंचा रख दिया, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने पीड़ित शख्स के साथ मारपीट की और दुपट्टे के सहारे चारपाई से बांधकर घर में रखे कीमती सामान को लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। कितने लोग थे और क्या क्या ले गए आप यहाँ से? अच्छा, और हम तो सुबह से आए कि हमारे इकट्ठा रखे थे और कहीं बात करने की जरूरत नहीं, आप क्या क्या सामान ले गए, कितने रुपए ले गए? हमारा करीब 50,000 रुपया इतने तक रखे, सब को ले गए। मोबाइल वगैरह भी ले गए? जो मोबाइल ले गए। तो फिर आपको क्या बांध के चले गए थे, कैसे हो गए थे? चले गए, कमरा करके बंदर चले गए। कितने लोग रहते हैं घर में आप? हम दो जने रहते हैं। कौन कौन? हमारी बेटी। पुलिस आई है यहाँ पे? आई है पुलिस। कितने बजे की बात होगी रात की? कौन थे? कितने बजे की बात होगी, कितने बजे की? ऐसे करी करी सवा बजे। यूपी के गाजीपुर में बिरनू थाना क्षेत्र के नियाव पुलिया के पास नदी के किनारे एक युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक के गले में गोली लगने का घाव है। वहीं युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। शिनाख्त के बाद पता चला है कि मृतक जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र के ध्रुवा जुर्ण गांव का रहने वाला था, जो 21 अगस्त को घर से बाहर जाने के लिए निकला था। वहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कल सुबह घर से निकले थे मोदिया के लिए और मोदिया 12 बजे तक थे ये। 12 बजे के बाद से इनका कोई लोकेशन हमको नहीं मिला। रात को घर नहीं पहुंचे तो लोग मतलब परेशान हुए। फिर सुबह हम लोग पूरा खोजे यहाँ वहाँ, तो फोन आया कहीं कि बिरनो थाना पे कहीं नियाव के पास पड़ा है एक डेड बॉडी। तो वहाँ हम लोग मतलब यशो साहब से बात किए, बिरनो यशो का नंबर लेके, तो बताया कि नहीं ऐसी बात है। फिर तब से हैं हम लोग यहाँ, कोई सको कोई किसी पे कोई। बिरनो थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी कुछ देर पहले एक पानी में डेड बॉडी मिली और प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर ने बताया है कि उसके सिर पर चोट के निशान हैं। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। उसकी जेब में कुछ आईडी मिली है जिससे उसका नाम पता चिन्हित हो गया है। यूपी के कुशीनगर में रक्षाबंधन के त्योहार पर बिकने वाली मिठाइयों की दुकानों पर मिलावट की खबर सामने आ रही है, जिसके चलते जिलाधिकारी जिले में टीम भेजकर अलग अलग बाजारों में दुकानों से मिठाइयों की सैंपलिंग की जांच करवा रही है। वहीं उपभोक्ता इस जांच टीम के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि एक बाजार में दर्जनों मिठाइयों की दुकान है तो एक या दो दुकानों पर ही कार्रवाई क्यों? बाजार में बिक रही इस मिलावटी मिठाइयों को उपभोक्ताओं ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए संबंधित विभाग को इसका जिम्मेदार ठहराया है। रक्षाबंधन के त्योहार पे जितनी भी मिठाइयाँ हैं या खाद्य सामग्री है, सब में मिलावट की समस्या आ रही है। खरीदारी करने जब जाया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि दूध में, खोआ में, पनीर में, सभी जो दैनिक चीजें हैं उसमें भी मिलावट हो रहा है। विभाग कोई इसमें जांच नहीं कर रही है, जिससे ये खुले बाजार में ये लोग खुलेआम बेच रहे हैं, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के निर्देश में जिलाधिकारी कुशीनगर द्वारा गठित टीम के प्रभारी होने के नाते मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। आज दिनांक 22 अगस्त 2018 को तहसील तम्बूरी राज में 3 नमूने संग्रह किए गए। रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन पर लगभग सारे हिंदुओं के यहाँ मिठाई की खपत होती है, सभी लोग मिठाई का उपयोग करते हैं और इसी को देखते हुए जितने भी व्यापारी हैं 2 नंबर की मिठाई बेच रहे हैं। एक तरह से धीमा जहर लोगों को परोसा जा रहा है। प्रशासन एकदम उदासीन बना हुआ है। जो लोग इसको रोकने के लिए जिम्मेदार है वही लोग कहीं ना कहीं यूपी के हाथरस के जिलों में बैठे अधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारी आम जनता से अवैध वसूली करना बंद नहीं कर रहे हैं। जहां अधिकारी प्रमाण पत्र की पत्रावली तैयार करवाने के लिए खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं,
दरअसल एक पीड़ित किसान ने अपने काम करवाने के लिए पैसे भी दे दिए, लेकिन किसान ने उसका वीडियो बना लिया। वहीं किसान ने कुछ दिनों बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे कलेक्ट्रेट परिसर में इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल वृद्धा पेंशन के नाम पर एक महिला से 300 रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जिलाधिकारी ने तत्काल निलंबन के आदेश दिए हैं। हावड़ा रूट पर तेज रफ्तार से दौड़ रही मालगाड़ी अचानक बर्निंग ट्रेन बन गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी झारखंड से लुधियाना कोयला लेकर जा रही थी कि तभी मालगाड़ी की बोगी नंबर 24 से अचानक आग की लपटें और धुआं निकलता देख रेल अधिकारियों ने सैयद सरावा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन को लूप लाइन पर खड़ी कर कौशाम्बी के फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्रिगेड की गाड़ी आई और आपको बुझाया गया। कितने देर तक यहाँ की यातायात बाधित रही रेलवे की सर? या ये तो 1 घंटे रही। 1 घंटे यूपी के मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के लखीनिया दरी के प्राकृतिक वाटरफॉल में पिकनिक मनाने आए दो युवक अचानक बड़े बारिश के पानी के कारण वाटरफॉल में फंस गए। वहीं पुलिस की तत्परता और सावधानी से दोनों युवकों को बचा लिया गया है। दरअसल पुलिस ने 5 किलोमीटर जंगल के रास्ते से जाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी तरह से वाटरफॉल के पानी से दोनों युवकों को बाहर निकाल दिया, लेकिन वहीं प्रशासन की रोक के बावजूद भी सैलानी मौज मस्ती के लिए अपनी मौत को दावत देने से बाज नहीं आ रहे हैं। पानी बरसने लगा, हमें अंदाज था कि 5 मिनट में पानी बढ़ जाएगा क्योंकि हम बराबर आते हैं, तो हम निकलने को इन लोग को बोले तो हम लोग थे 7 लोग, तो 5 लोग इस साइड थे, हम दोनों लोग निकल के उस पार चलेगा और 3 लोग और हमारे साथ उस पार आ गए। हम लोग 5 लोग निकल गए लेकिन 2 लोग इसी पार आ गए, तब तक पानी बढ़ गया, लोग नहीं आते हैं। आप लड़के आए थे लखनिया दरी में पिकनिक मनाने के लिए, अचानक जलप्रपात बढ़ गया जिसमें से 2 लड़के फंस गए, राहुल और अंकित नाम था उनका। दोनों लड़कों को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अरोरा पुलिस की टीम ने जान जोखिम में डालकर 5 किलोमीटर जंगल के रास्ते जाकर के उनकी जान को बचाई। और यूपी के कौशाम्बी के सिरातू तहसील के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन की कालाबाजारी का एक वीडियो वायरल होने के मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिरातू तहसील के सरकारी राशन के दुकानपुर दीपू कुशवाहा की दुकान का है, जिसे किसी अज्ञात शख्स ने दुकानदार की कालाबाजारी से परेशान होकर रात को अपने मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक DCM गाड़ी पर मजदूर रात के अंधेरे में सरकारी अनाज की बोरियों को दुकान से निकालकर गाड़ी में डाल रहे हैं। इस वीडियो में वीडियो बनाने वाले ने गाड़ी का नंबर और सरकारी राशन की दुकान के बोर्ड के साथ उसकी दुकान को भी दिखाया है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद कौशाम्बी का प्रशासनिक अमला अब पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, जिस पर खुद पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए SDM सिरातू ज्योति मौर्य ने वीडियो की सच्चाई की जांच कराने की बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।